हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम लोकेशन। तो हमारा वन लाइनर पॉलिटी का चल रहा था, महेश कुमार बनवाल का, और संसद का जो टॉपिक था वो चल रहा था। कुछ जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी आज 8th वीडियो है ये हमारी। इससे पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वन लाइनर पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमने कल क्लास में छोड़ा था। देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो मनोनीत किया जाते हैं टोटल 12। राज्यसभा में राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? इनका नाम था नरगिस दत्त। राज्यसभा की ये सदस्य बनी थी 1980 से 86। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी मीरा कुमार, और इनकी डेट दी हुई है 4 जून 2009 से 4 जून 2014। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये थे जीवी मावलंकर जी, और ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। आगे देखते हैं, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय करता है, इम्पोर्टेंट है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। आगे देखते हैं, यहाँ पर साधारण विधेयक और धन विधेयक में तुलना की गई है, इसको देख लेते हैं। साधारण विधेयक और धन विधेयक, साधारण विधेयक की बात करें, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। किसको? साधारण विधेयक को। जबकि धन विधेयक केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, जबकि धन विधेयक में राष्ट्रपति की संस्तुति से पूर्व स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। साधारण विधेयक राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, और धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है राज्यसभा। साधारण विधेयक राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक लोकसभा के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। किसको? साधारण विधेयक को। धन विधेयक की बात करें तो इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। और धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, जबकि धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट, यहाँ पे प्राकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा।
कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? यह होना चाहिए 6 महीने का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं बिना संसदीय स्वीकृति के? लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। आगे यहाँ पर देखते हैं, संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राकलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ये करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? यह हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में। आगे देखते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? यह है भारत की देन। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रश्नकाल। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, टॉपिक आता है अपना सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? वर्तमान में इनकी संख्या 34 है, 33+1। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं।
आगे देखते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134(1)। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इनकी संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते वे पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 124 के साथ में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के जी बाल कृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को
को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को चार भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें 133 में, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें 134, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें 136। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो इसकी है 10 वर्ष। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकारों के उन्मूलन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में 226 के तहत रिट जारी की जाती है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यपाल, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राज्यपाल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।